Hey friends, in this video we are going to study about male accessory glands. तो जो male accessory glands हैं, they are of three different types. This diagram represents the side view of male reproductive system. तो side view से अगर हम male reproductive system को देखेंगे तो हमें तीन अलग अलग यहाँ से glands नज़र आएंगे. The first one is called seminal vesicle. सेमिनल वेसिकल के बाद यहाँ से ट्रैवल करते हुए थ्रू इजेक्यूलेटरी डक्ट दूसरा ग्लैंड आता है विच इज़ कॉल्ड द प्रोस्ट्रेट ग्लैंड. और प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के बाद यहाँ पे थर्ड है काउपर्स ग्लैंड. काउपर्स ग्लैंड को जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं. तो यहाँ पे ये तीन ग्लैंड्स हैं जिनको मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं. उसमें से जो सेमिनल वेसिकल और काउपर्स ग्लैंड हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं. मतलब कि सेमिनल वेसिकल भी दो हैं और काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी दो हैं. जबकि प्रोस्ट्रेट ग्लैंड इज ए सिंगल लार्ज ग्लैंड. सो दिस डायग्राम इज द साइड व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और ये तीनों की जो सिक्रेशन है सेमिनल वेसिकल प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड काउपर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों की सिक्रेशन जो है वो स्पर्म के साथ मिक्स होके निकलती है और उसको हम कलेक्टिवली सीमन बोलते हैं. सो सीमन अलॉन्ग विद दी सॉरी स्पर्म अलॉन्ग विद द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल प्रोस्ट्रेट ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सीमन. तो यहाँ से वी कैन सी दिस इज दी दीज आर दी थ्री मेल एक्सेसरी ग्लैंड. इफ़ वी सी द फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेमिनल वेसिकल है ये रहे. सो दिस इज अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल. सबसे पहले सेमिनल वेसिकल आता है. सेमिनल वेसिकल के जो डक्ट है वो वास डिफरेंस की डक्ट के साथ ज्वाइन करके इजेक्यूलेटरी डक्ट बन जाता है. दिस इज द इजेक्यूलेटरी डक्ट. इजेक्यूलेटरी डक्ट से होते हुए यहाँ पे एक सिंगल लार्ज ग्लैंड है. दिस इज अ सिंगल ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड. प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के बाद हमने देखा यहाँ पे आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं. सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रेजेंटिंग द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड दिस इज द साइड व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर वी कैन इंडिकेट दीज थ्री मेल एक्सेसरी ग्लैंड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल की. तो हमें पता है कि जो सेमिनल वेसिकल है द सेमिनल वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन पेयर एंड दे आर प्रेजेंट नियर द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. सो हम जैसे कि डायग्राम के अंदर देख सकते हैं हेयर सेमिनल वेसिकल्स आर प्रेजेंट नियर द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. और इनका काम है दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर. एक थैले की तरह दो स्ट्रक्चर हैं विच इज़ प्रेजेंट नियर द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड दे प्रोड्यूस एल्कलाइन सिक्रेशन. एल्कलाइन मतलब बेसिक सिक्रेशन ये सिक्रेट करते हैं एंड दे फॉर्म 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीमन. तो 60% वॉल्यूम जो है सीमन का वो सेमिनल वेसिकल से बनता है. सेमिनल वेसिकल की एक एल्कलाइन सिक्रेशन है तो इसका पीएच होगा 7.4. सेमिनल वेसिकल के अगर हम सिक्रेशन के बारे में देखें तो इसकी सिक्रेशन क्या क्या कंटेन करती है. द सिक्रेशन कंटेन फ्रक्टोज. फ्रक्टोज हमें पता है एक शुगर है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करती है सीमन के लिए. द नेक्स्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिंस. प्रोस्टाग्लैंडिंस हॉर्मोन्स हैं जो कि स्टिम्युलेट करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को. अब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को क्यों करते हैं, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो आराम से ट्रैवल करके जो है ओविडक्ट तक या फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएं जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है. तो यहां पे फ्रक्टोज एक सोर्स ऑफ एनर्जी है. प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स जो है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है और ये तब आते हैं जब ये इजेक्यूलेट हो जाते हैं इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थर्ड इज़ क्लोटिंग प्रोटीन. क्लोटिंग प्रोटीन यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन से अलग है और ये क्या करती है, जैसे ही बॉडी से यानी कि पीनस से बाहर जो है सीमन निकलता है उसे कॉगुलेट कर देती है आफ्टर इजेक्यूलेशन. मतलब द डेंसिटी ऑफ द सीमन इंक्रीजेज आफ्टर इट गेट्स इजेक्यूलेटेड फ्रॉम द पीनस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोटिंग प्रोटीन इन द सेमिनल वेसिकल. तो सेमिनल वेसिकल के पास टोटल क्या क्या है, उसके पास फ्रक्टोज की सिक्रेशन है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, क्लोटिंग प्रोटीन फॉर सीमन कोगुलेशन आफ्टर इजेक्यूलेशन. अब क्योंकि हमें पता है कि जो सेमिनल वेसिकल है इसकी एल्कलाइन सिक्रेशन है तो एल्कलाइन सिक्रेशन हेल्प करती है टू न्यूट्रलाइज दी एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ मेल यूरेथ्रा विच इज ड्यू टू यूरिन एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव
ट्रैक। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे मेल यूरेथ्रा देखेंगे तो दिस इज़ द मेल यूरेथ्रा। तो यहाँ से यूरिन भी पास आउट होता है, सीमन भी पास आउट होता है। तो यानी यूरिन इज़ एसिडिक इन नेचर, तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सेमिनल वेसिकल जो है वो एल्कलाइन सिक्रेशन सिक्रेट करता है। इसमें फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स और क्लोटिंग प्रोटीन मेजरली सिक्रेट होते हैं, जो कि स्पर्म के साथ मिक्स होकर कैरी हो जाते हैं आगे इजेक्यूलेटरी डक्ट के साथ, राइट। सो दिस इज सेमिनल वेसिकल। अब एक और चीज़ जो सेमिनल वेसिकल की इंपॉर्टेंट है पढ़ना, वो है फ्रक्टोज। हमें पता है कि फ्रक्टोज जो है ह्यूमन बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट सीमन। तो सिर्फ मेल सीमन के अंदर ही फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के, बाकी और किसी भी जगह पे हमें फ्रक्टोज की प्रेजेंट बॉडी में नहीं दिखती। विच मीन्स दैट द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक कन्फर्म्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। फ्रक्टोज क्योंकि कहीं और प्रेजेंट नहीं होगा, तो अगर ये जेनिटल ट्रैक ऑफ द फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, सो इट कन्फर्म्स सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड दिस थिंग इज़ यूज इन द फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप ऑल्सो। तो ये फ्रक्टोज की प्रेजेंस से पता चलता है वेदर देर इज़ एनी इंटरकोर्स और नॉट। तो ये सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन होती है फ्रक्टोज। नाउ द नेक्स्ट मेल एक्सेसरी ग्लैंड इज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। सो हमें पता है, हेयर वी कैन सी दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। तो यहाँ पे वी नो दैट इट इज़ अ सिंगल लार्ज ग्लैंड दैट सराउंड्स द यूरिनरी ब्लैडर। तो दिस इज़ द सिंगल लार्ज ग्लैंड ओवर हेयर। वी कैन सी कि इट प्रोड्यूसेज ए मिल्की सिक्रेशन विद पीएच ऑफ 6.5। मिल्की सिक्रेशन है और एसिडिक इसका पीएच जो है हमें इंडिकेट करके बताता है, इट्स अ लिटिल बिट एसिडिक एंड इट फॉर्म्स 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमन। यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल इट फॉर्म्स द 60% ऑफ द सीमन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर्म्स द 25% ऑफ द सीमन। और ये थोड़ा सा मिल्की सिक्रेशन है, एसिडिक है, वाई, बिकॉज इट सिक्रेट्स सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है स्लाइटली एसिडिक होता है एंड इट एक्ट एज अ स्पर्म न्यूट्रिएंट। द अदर एंजाइम्स दैट इट कंटेन्स आर एसिड फॉस्फेटेज, एमाइलेज, पेप्सिनोजन एंजाइम्स। इट ऑल्सो सिक्रेट्स प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स दैट हेल्प्स इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे जो सिक्रेशन है प्रोस्टेट ग्लैंड की, ये क्या करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एसिडिक है, मिल्की सिक्रेशन करता है, 6.5 पीएच है, सिट्रिक एसिड, ये एंजाइम्स प्रेजेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं। तो एक तरह से ये नरिश करते हैं और स्पर्म्स को एक्टिवेट करते हैं स्विम करने के लिए, सो दैट रैपिड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। वी कैन से दैट द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड नरिशेज एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। सो वी नो कि अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड विच इज़ अ सिंगल लार्ज ग्लैंड, इट हेल्प्स टू सिक्रेट, इट्स स्लाइटली एसिडिक, सिक्रेट सिट्रिक एसिड, मिल्की सिक्रेशन होती है, फिर एसिड फॉस्फेटेज, एमाइलेज, पेप्सिनोजन एंजाइम सिक्रेट करते हैं, और उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करते हैं, और थोड़े से एसिडिक है। इट फॉर्म्स द 25% वॉल्यूम ऑफ द टोटल सीमन। Now the next and the last male accessory gland is called as bulbourethral gland, जिसको Cowper's gland भी कहा जाता है। So this is a pair of bulbourethral gland or Cowper's gland which is present in pair and it connects the membranous part of urethra. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि urethra के तीन पार्ट होते हैं पूरे urethra में, which is first is prosthetic urethra, second is membranous urethra and the third one is called as the penile urethra. तो यहाँ पे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के साथ ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कनेक्ट होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है एल्कलाइन सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं, क्योंकि जो यूरिन है वो एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिक मीडियम को जो है कंट्रोल करने के लिए यहाँ से एल्कलाइन सिक्रेशन निकलते हैं। दूसरी चीज़ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की ये है कि इट सिक्रेट्स म्यूकस। म्यूकस इसलिए सिक्रेट करता है सो दैट इट कैन ल्यूब्रिकेट द इनर लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा एज वेल एज पीनस। तो पीनस को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, इनर लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा को ल्यूब्रिकेट करने के लिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है म्यूकस सिक्रेट करता है। सो ये जो चीज़ें हैं, इसकी जो सिक्रेशन है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, ये हेल्प करती हैं टू डिक्रीज द नंबर ऑफ स्पर्म डैमेज ड्यूरिंग इजेक्यूलेशन। तो इजेक्यूलेशन में स्पर्म डैमेज कम हो, इसके लिए जो है एल्कलाइन सिक्रेशन और म्यूकस की सिक्रेशन करता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, राइट।
नाउ अनदर थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज कि इसकी जो सिक्रेशन है इसमें स्पर्म्स भी होते हैं, मतलब म्यूकस के साथ एल्कलाइन फ्लूइड के साथ कुछ स्पर्म्स भी रिलीज हो जाते हैं बिफोर इजेक्यूलेशन, मतलब एक्चुअल इजेक्यूलेशन से पहले ही, सीमन निकलने से पहले ही कुछ स्पर्म्स पहले भी निकल जाते हैं. और यही एक रीज़न है फॉर दी हाई फेलियर रेट ऑफ विड्रॉल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. तो जो विड्रॉल मेथड, जो कि नेचुरल मेथड होता है बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो इजेक्यूलेशन से पहले ही, कुछ टाइम पहले ही जो है स्पर्म रिलीज़ कर देता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन के चांसेस विड्रॉ करने के बाद भी बने रहते हैं. So this is the reason why there is a high rate failure for the withdrawal method of birth control due to the secretion of sperm before ejaculation by the bulbourethral glands or Cowper's gland. Now another thing is about semen. कि अब हमने सीमन की बात कर लेते हैं, तो हमें पता है कि व्हाट इज सीमन. सीमन कंटेन्स द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड प्लस स्पर्म्स. तो इन टोटल की अगर सारी की सारी सिक्रेशन जो इजेक्यूलेशन के अंदर निकलती है उसको सीमन कहा जाता है. अगर हम स्पर्म्स निकाल दें और सिर्फ ये सिक्रेशन रखें तो इन पूरी की पूरी मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की सिक्रेशन को कहा जाता है सेमिनल प्लाज्मा. तो सेमिनल प्लाज्मा के पास जो है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रेशंस तो होती ही हैं, बट उनके पास स्पर्म्स नहीं होते, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंजाइम्स ये सब प्रेजेंट होता है. सो सेमिनल प्लाज्मा इज सीमन विदाउट स्पर्म. अदर देन दैट अगर सीमन की बात करें तो सीमन के पास 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं. 60% जो स्पर्म्स होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं. सीमन जो है बेसिक नेचर का होता है. इसकी पीएच जो है वो 7.50 तक होती है. तो ये जो है बेसिक है नेचर या एल्कलाइन नेचर है सीमन की. और 40% स्पर्म्स जो होते हैं सीमन में वो बहुत वाइग्रस होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जल्दी फर्टिलाइजेशन करने के कैपेबल होते हैं. एक्टिव स्पर्म्स जो हैं वो 40% सीमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज़ अबाउट दीज थ्री मेल एक्सेसरी ग्लैंड. अगर हम फिर से रिवाइज करें तो तीन होते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल लार्ज, एंड दी थर्ड वन इज़ दी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड. यहाँ पे सेमिनल वेसिकल जो है एल्कलाइन होता है. इसकी सिक्रेशन फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिंस और क्लोटिंग प्रोटीन मेनली सिक्रेट करती है. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज, एमाइलेज, पेप्सिनोजन एंजाइम्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करती हैं. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एल्कलाइन फ्लूइड और म्यूकस सिक्रेट करता है. और इन सबके साथ जो है वास डिफरेंस जो है स्पर्म कैरी करके आ रहा होता है, तो उन सबके साथ मिक्स होकर जो है सीमन सिक्रेट हो इजेक्यूलेट हो जाता है थ्रू दी यूरेथ्रा विद द हेल्प ऑफ यूरिनोजेनिटल एपर्चर और यूरेथ्रल ओरिफाइस. सो दिस इज अबाउट दी मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स. And I hope that this is helpful for you. And if it is, then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.